माता की जय। पीछे वाले भी बोलो, जिला प्रमुख वाले ही बोल रहे हैं। भारत माता की जय। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अब आवाज ज्यादा आ रही है। आज महिला उत्थान महिला सम्मान कार्यक्रम के आयोजनकर्ता प्रतापगढ़ के जिला प्रमुख इंदिरा देवी जी, कार्यक्रम में उपस्थित आपके स्वागत को माननीय मुख्यमंत्री जी ने तहसील तो बनाए बनाया, पंचायत समिति तो बनाए बनाया, लास्ट में राजस्थान में दो उपखंड खुले उसमें सुहागपुरा को भी उपखंड कार्यालय बनाया। नए एसडीएम साहब भी आपके बीच में आए हैं, सब जोरदार ताली से उनका स्वागत करो। कार्यक्रम में उपस्थित प्रतापगढ़ के ब्लॉक अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी, अरनौद के ब्लॉक अध्यक्ष भाई कैलाश जी, अरनौद के प्रधान साहब समृद्ध जी, दलौट के प्रधान साहिबा जो आपके यहीं से श्यामा जी, उप प्रधान साहब हमारे कांता जी और प्रभुलाल जी, जिला परिषद सदस्य भाई पिंके जी, पंचायत समिति सदस्य और यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि सुहागपुरा प्रभुलाल जी, दोनों हरीश अपने शिवनारायण जी, मंडल अध्यक्ष हमारे ईश्वर जी और सभी मंडलों से बधाए हुए सभी मंडल अध्यक्षगण, पंचायत समिति सदस्य रामचंद्र जी, नई तहसील के तहसीलदार साहब और मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारी, सभी सरपंचगण और आसपास के सभी कार्यकर्तागण जिन्होंने जोरदार तरीके से शानदार कार्यक्रम आयोजित किया है। ऐसा शानदार कार्यक्रम सुहागपुरा के अंदर मैंने मेरे जीवन काल में कभी नहीं देखा। मैं सभी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को दिल की गहराइयों से और प्रमुख साहब की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और सबसे पहले मैं प्रमुख साहब को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि पूरे प्रतापगढ़ जिले की महिलाओं को आपने घर से निकाल के मीटिंग में लाके खड़ा कर दिया। जब ये योजना बनी मैडम, हम दोनों बैठे थे, बैठे बैठे बात कर रहे थे, मैंने कहा हर कार्यक्रम में आदमी खूब आते हैं, महिलाएं बहुत कम आती है। तो मैडम ने कहा कि भाई एक दो प्रोग्राम मैं कर लेती हूँ, फिर देखते हैं महिलाएं आती कि नहीं आती है। तो हमने प्रोग्राम बनाया, 9 से 10 जगह के कार्यक्रम लिए, 8-8, 10-10 पंचायतों के। फिर हमने विचार किया कि एक पंचायत से 20-30 महिलाओं को बुला लिया जाए। अब पहले प्रधान जी के यहाँ था अपने नागदड़ा में, बेड़मा में 250 महिलाएं बुलाई थी, 1000 हो गई। फिर लालगढ़ प्रोग्राम था, लालगढ़ ये अपने गोतमेश्वर के अंदर, वहां 1200 हो गई। फिर गोटारसी में था, वहां 1200 हो गई। पान मौड़ी में था, वहां पे भी इतनी कितनी महिला हो गई। अभी रोकड़िया हनुमान जी में छोटा सा मंडल है, वहां पे भी इतनी महिला, और जेसीबी से मैडम का स्वागत हो रहा है, फूल बरसा रहे ऊपर से। फिर मेरे को पता था सुहागपुरा में महिलाएं बहुत ज्यादा आएगी, तो आज मेरे से भी रहा नहीं गया, मैंने कहा मैडम आज मैं भी आता हूं आपके कार्यक्रम में। तो निश्चित रूप से मैंने मेरे प्रोग्राम को ऐसे निपटाया है। आज चुपना में कार्यक्रम था, आधे घंटे में खत्म कर दिया। कोटडी में थाने का उद्घाटन था, उसको भी आधे घंटे में खत्म कर दिया। आईजी साहब आई हुई थी अपने उदयपुर बांसवाड़ा संभाग की, नई आईजी आई, वो भी महिला है, वो भी आई हुई थी। एसपी साहब भी आए हुए थे, आधे घंटे में थाने का उद्घाटन कर दिया, आधे घंटे में समुदाय स्वास्थ्य केंद्र चुपना का उद्घाटन कर दिया। फिर मैं तुरंत आपके बीच में आया हूँ, सारे पदाधिकारियों के कार्यकर्ताओं को फोन आ रहे थे लगातार, साहब 1 बजे ही पंडाल खसाखस हो गया है। मैं तो कह रहा हूँ इससे 3 गुना पंडाल होगा तो भी भरता, इतने कितने लोग बाजार में भी हैं। ये जो आपका आशीर्वाद है, ये आपका जो प्रेम है, ये मेरे लिए वरदान है, क्योंकि आपके इस आशीर्वाद आपके इस प्रेम की खातिर आज आपके बीच में है। 5 बार अटैक आ गया, 4 बार अटैक आ गया, 3 नसें ब्लॉक हो गई, उसके बाद में भी आपका भाई आपका बेटा रामलाल मीणा आपके बीच में बोल रहा है, ये आप सबके आशीर्वाद, जानागढ़ और आसपास के देवी देवताओं के आशीर्वाद। इतने मंदिर आपके जो मैंने बनाए हैं, गोतमेश्वर में जो काम किया है, दिवाक माता में जो काम किया है, आपके खागल देव, दिवाक माता, नारसिंह माता, जो कालका माता, इन सबके जो मैंने काम किए हैं, उन सबके आशीर्वाद की वजह से आज आपके बीच में हूं।
नहीं तो टोटके करने वालों ने तो ये कर दिया था कि रामलाल को तो निपटा देंगे लेकिन जिला प्रमुख को भी बदनाम कर देंगे ताकि इन दोनों का काम ही खत्म हो जाए ताकि फिर हम सब कर लेंगे। साथ ऐसे लोग भी हैं, लेकिन नंदलाल जी मीणा ने इतने बड़े पद पे रहे, मंत्री रहे, सब कुछ रहे, मैं उनके सामने एक वाइसर भी फिट नहीं होता था, उनके सामने चुनाव लड़ा, कभी मेरे सामने उन्होंने गाली तक नहीं दी, यूं तक नहीं कहा कि रामलाल तेरे को पुलिस में बंद करा दूंगा, ये करा दूंगा, ये तक नहीं किया, क्योंकि वो मजे हुए नेता थे, समझते थे। लेकिन आजकल के नेता तो एमएलए बनने के चक्कर में देखते पहले इनको मार दो, ऐसा नहीं। जब तक आपकी आपका जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, जब तक आपके स्थानीय देवी देवताओं का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, तब तक मेरा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ये आप सभी के सामने। आज आपके सुहागपुरा भाई गोपीलाल जी कह रहे थे कि हमको पीपल कोर्ट में डाल दिया था, मैंने चुनाव में आपको कहा था कि सुहागपुरा से मुझे लीड दिला दीजिए, मैं आपके पंचायत समिति सुहागपुरा के अंदर लेके आऊंगा, तहसील आपके सुहागपुरा के अंदर लेके आऊंगा, और आपने चुनाव में जैसे ही लीड दिलाई मैं एमएलए बना, साल डेढ़ साल के अंदर आपके पंचायत समिति भी बन गई, आपके तहसील भी बन गई। बीडीओ साहब खड़े हो जाओ, पंचायत समिति आपके बीडीओ साहब भी हैं, तहसीलदार जी भी होंगे, यहाँ पे तहसीलदार जी भी आपके नए बैठने लगे। फिर मैंने जिला परिषद चुनाव में कहा था आप मुझे प्रधान और जिला प्रमुख दे दो, मैं आपका उपखंड कार्यालय भी खोल दूंगा, ताकि आपको बड़े बड़े काम के लिए पीपलकोट जाना नहीं पड़ेगा। अब आपका उपखंड कार्यालय भी खुल गया, आपके एसडीएम साहब के आपके बीच में बैठे हैं। पहले क्या होता था, इस एरिया में विकास क्यों नहीं होता था? कई लोगों के पंचायत समिति प्रतापगढ़ लगती थी, कई लोगों के अरनौद लगती थी, और पैसा आता था पंचायत समिति के अंदर, और वहां पैसा आके वहां के आसपास वाले पैसे लेके चले जाते, और इस घाटा क्षेत्र के अंदर, मकरा क्षेत्र के अंदर पैसा आता ही नहीं था। पैसा आता नहीं था तो विकास होता ही नहीं था। फिर मैंने कह दिया कि खजाने की चाबी तो सुहागपुरा और दलोट के अंदर देनी पड़ेगी, तभी जाके इन क्षेत्र के लोगों का विकास होगा। तो आज दलोट के अंदर, सुहागपुरा के अंदर, दमोदर के अंदर नई पंचायत समिति बना दी, ताकि आपका पैसा आपके पास आएगा, जितनी आपकी जनसंख्या है उतना पैसा आपके पंचायत समिति के ट्रेजरी में आके, तहसील की ट्रेजरी में आके पड़ा रहेगा, और वहां से वितरित होगा। आज आपके गांव गांव में छोटी छोटी पंचायतें बना दी, सात पंचायतें थी, सिर्फ सात पंचायतें, और सात पतवार मंडल थे, उनको काट काट के टुकड़े कर करके 21 कितनी पंचायतें 23 है 21 पंचायतें 21 पटवार मंडल करके नई तहसील और नई पंचायत पटवार मंडल कर, तहसील और नई पंचायत समिति कर दी। पंचायत समिति का काम भी आपका चल रहा है। आज माएंगा, तलाया, पाडलिया, दारियाखेड़ी, पटेलिया जैसी छोटी नदिया जैसी छोटी छोटी पंचायतें बना दी। आज विकास के मामले उन क्षेत्रों में जहां का पैसा वहां पहुंचने लग गया, तो आज विकास देखने को मिल रहा है, अन्यथा विकास देखने को नहीं मिलता। आज इतनी सारी माताएं मैंने यहां सब इकट्ठी होकर आई है। जिला प्रमुख जी, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने प्रतापगढ़ जनता की, प्रतापगढ़ की महिलाओं में एक नई क्रांति पैदा करी है। नहीं तो हमारे जब प्रोग्राम होते थे तो 8-10 महिलाएं आती थी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, कई सारी योजनाएं महिलाओं के लिए निकाल रहे हैं, इसलिए महिलाओं को आगे आना बहुत जरूरी है। और जितने भाई आप पीछे बैठे हुए हैं, आप सबके आशीर्वाद से जो विकास की गंगा बह रही है, आज आपके भवरसेवला बांध को बनाया भी कांग्रेस ने, और दोनों नहरों के काम चल रहे हैं। अभी 10 करोड़ रुपए भवरसेवला बांध की दोनों नहरों के लिए और पास हो गए हैं, दोनों नहरें लास्ट बॉर्डर तक जाएगी। मोटा दामणिया के लिए 5 करोड़ रुपए अलग से सेंशन और कर दिए। कई बांध बन गए, देवकुंड अमृतबाव जी बन के भर भी गए, देवतराड़िया काम भी चल रहा है, बड़ी सड़कों के काम आपके बावगढ़ से गौतमेश्वर होते हुए, बगड़ावत होते हुए, सुहागपुरा रतनपुरिया घाटा सड़के रामपुरिया पंडावा तक की सड़क भी काम चालू हो चुका, चालू हो गया ना, चालू हो गया है, और वो डबल पट्टी की बनेगी। एक सड़क और, सड़क और आ रही है 70 किलोमीटर की, जो गोरवणा होते हुए, बीच में होते हुए, पिपली पठार होते हुए, दारियाकेड़ी होते हुए, वापस मणावला होते हुए, वापस कोणी पठार, कोणी तक, वो कोणी है ना बसेरा कोणी, वहां तक जाएगी। दोनों सड़कों के अंदर आपकी सारी सड़कें समाहित हो जाएगी। बिजली के लिए आपने देखा होगा,
आपके बगड़ावत के अंदर नया जीएसएस बनके तैयार हो गया, रामपुरिया के अंदर नया जीएसएस बनके तैयार हो गया, और पंडावा के अंदर भी जीएसएस का काम टेंडर चालू हो गया है, चालू हो गया। अब पंडावाड़ा कह रहे पंडावा में जीएसएस का काम चालू हो गया, बाकी पंडावा में तो लाइटें जाती नहीं थी, खाली बिल ही बिल जाते थे। इधर बोरी ए के अंदर भी हमने जीएसएस का काम चालू कर दिया। देश आजाद होने से लगा करके 65-70 साल तक जितने जीएसएस बने उतने जीएसएस मैंने 5 साल के अंदर बना दिए, 5 साल के अंदर बना दिए। निनौर में बन रहा है, कानगढ़ में बन रहा है, रायपुर में, बड़वास कला में, सेवना में, आपके बगड़ावत में, रामपुरिया में लगा करके इतने जीएसएस हमने बनाए, कभी कभी नाम भी भूल जाता हूं इतने। बजरंगगढ़ के अंदर, बड़वास कला के अंदर, सभी जगह नए नए जीएसएस बन रहे हैं, और पुराने जितने जीएसएस थे उनको भी हमने डबल कैपेसिटी का किया, तब जाके दिन में किसानों को लाइटें मिल रही, बाकी दिन में किसानों को लाइटें नहीं मिल रही। आज बिजली का बिल घर का भी नहीं आ रहा है, बिजली का बिल आपके कुएं का भी बंद करा दिया हमने। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कहा कि साहब हमारे तो कभी तो फसलें बारिश ज्यादा होने से खराब हो जाती है, कभी नहीं होने से खराब हो जाती है, और बिजली के बिल बड़े बड़े आते हैं, हम भर नहीं पाते हैं, पानी हमारे पास है नहीं इतना। तो मुख्यमंत्री ने 2000 यूनिट आपकी फ्री कर दी। अभी आपके सभी माता बहनों के लिए ये वाला मोबाइल मिलने वाला है, और मिलना चालू हो गया ना, यहां से तो यहाँ चालू हो गया, बच्चियों को मिलेगा, अभी नवी से लगा के 12वीं तक कॉलेज तक सभी बच्चियों को भी मिलेगा, जिन महिलाओं के 100 दिन पूरा हो गया उनको भी मिलेगा, नरेगा में एकल महिलाओं को मिलेगा, सभी महिलाओं को मिलेगा। लेकिन अब धीरे धीरे क्यों मिल रहा है, क्योंकि 1,35,00,000 महिलाओं को मोबाइल मिलेगा, कितना 1,35,00,000 सारी फैक्ट्रियों के मिलाने के बाद में भी इतने मोबाइल नहीं है, इसलिए अभी कह दिया 35,00,000 महिलाओं को, 40,00,000 महिलाओं को अभी मिल रहा है, महीने 1.5 महीने बाद और मिलेगा। अभी मुख्यमंत्री जी ने कह दिया जितने मोबाइल है उतने तो बांट दो, और उसके बाद में गारंटी कार्ड दे दो, जैसे ही मोबाइल आएगा वो महिला गारंटी कार्ड दिखाएगी वहां पे और उसको मोबाइल मिल जाएगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि साहब नरेंद्र मोदी जी आए थे प्रधानमंत्री बनकर के और गैस की टंकियां बांटी, घर घर बांटी कि नहीं बांटी, गैस की टंकियां बांटी। उस समय टंकी 350 रुपए में मिलती थी और टंकी सभी महिलाओं को बांटने के बाद 1200 रुपए में कर दी। अब 1200 रुपया वे नहीं, टंकी भरा है नहीं, आज पानी की पंडेरी करने के वो टंकी काम आ रही थी, कोई काम नहीं आ रही थी। माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने कह दिया कि अब टंकी 500 रुपए के अंदर मिलेगी, और टंकी 500 रुपए में मिलेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, नहीं तो टंकियां घर पर ही पड़ी थी। इसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी को हमने कहा साहब मोदी जी ने टंकियों के भाव बढ़ा दिए, ऐसा नहीं होगा आप मोबाइल तो दे रहे हो, मेरे क्षेत्र की माता बहने तो बहुत गरीब है, बैलेंस कहां से डलाएगी, दूसरी गड़बड़ हो जाएगी। तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया रामू चिंता करने की जरूरत नहीं है, 3 साल का बैलेंस डाल के दे रहे, 3 साल तक 1 भी रुपये नहीं निकाल लो। मैंने कहा साहब उसके बाद क्या होगा, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा रामू नवंबर में चुनाव आ रहे हैं, सभी माता बहनों के दो हाथ के पंजे वाला बटन दबा दे, सरकार बनते 5 साल का बैलेंस और डाल देंगे, 1 रुपया मोबाइल में खर्च नहीं करना पड़ेगा। बस ये काम माननीय मुख्यमंत्री जी आपका करें, मोबाइल दे रहे हैं, बैलेंस भी दे रहे हैं, बैलेंस की झंझट खत्म। अभी जिला प्रमुख जी कह रही है आपकी बेटियों से वीडियो कॉल से बात करोगे, बेटे उदयपुर जयपुर पढ़ रहे हैं तो वीडियो कॉल से बात करोगे, छोटे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने के लिए मोबाइल दे दोगे। तो इस प्रकार से ये मोबाइल आपका मिलने वाला है। आज मोबाइल सहित हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि मुख्यमंत्री जी मेरे क्षेत्र की माताएं बहनें कुपोषण का शिकार हो जाती है, गर्भवती होती है, खाने का सही समय पे मिलता नहीं है, तो वो डिलीवरी के समय कभी कभी उसकी मृत्यु हो जाती है, खून कम पड़ जाते हैं, बच्चा कमजोर हो जाता है, वो मर जाता है, होता है कि नहीं होता है, क्योंकि सारी सुविधाएं उनको समय पर नहीं मिल पाती है। तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया रामू चिंता मत कर, ऐसी योजना ला रहा हूं किसी माता बहन को दिक्कत नहीं आएगी। उसके लिए मुख्यमंत्री ने अन्नपूर्णा किट लागू कर दिया है, जिसके अंदर शक्कर 1 किलो शक्कर, और ये शक्कर मोदी जी ने कितने रुपए में कर दिए भी, क्या बाबा 40 रुपए, और कांग्रेस के राज में 12 रुपए किलो थी, मोदी जी ने 40 रुपए कर दी। तो 1 किलो शक्कर महंगाई को कम करने के लिए, अब महंगाई 40 रुपए में शक्कर मनक ला नहीं सकते,
तो मुख्यमंत्री ने कह दिया हर महीने 1 किलो शक्कर सभी लोगों को फ्री में मिलेगी। अब तेल कांग्रेस राज में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब तेल था 60 रुपए किलो, 65 साल तक 60 रुपए किलो तेल आया और मोदी जी ने 150 रुपए के आसपास कर दिया। अभी थोड़ा भाव कम पड़ गया है, बाकी 150 से ऊपर तक चला गया था। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मोदी जी तो बाजी भी बगारवान देगा, तो इसलिए 1 किलो तेल फ्री में देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। उसके बाद में ये दाल आपके चने और तुअर बेचने जाओगे तो 30 रुपए 20 रुपए के अंदर ले लेंगे, और फोतरे उतारते ही दाल का भाव 150 रुपए, कभी क्या भाव है 180 के आसपास अभी आ गई है, जबकि कांग्रेस राज के अंदर दाल 30 40 50 रुपए के अंदर मिलती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने कहा साहब दाल के भाव भी बहुत बढ़ गए, तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया जिन जिनको गेहूं मिलते हैं उनको 1-1 किलो दाल भी फ्री में मिलेगी हर महीने। अब नमक कांग्रेस के राज में 65 साल में 3 रुपए किलो मिलता था, कितना 3 रुपए किलो मिलता था, मोदी जी ने आके नमक का भाव क्या कर दिया 10 से 20 रुपए 12 रुपए 15 रुपए। अरे मोदी जी नमक तो छोड़ता रे है, नमक पे भी 12-15 रुपए का भाव कर दिया। तो मुख्यमंत्री ने कह दिया 1 किलो नमक भी हर महीने फ्री में मिलेगा, अभी आपके मिर्च पाउडर भी फ्री मिलेगा, धनिया पाउडर भी फ्री मिलेगा और हल्दी पाउडर भी फ्री में मिलेगा। सारा काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आपने देखा होगा 2-4-8 दिन पहले बीजेपी वालों ने रैली निकाली यहां पे, कितने लोग थे, जितने अपने मंच में बैठे इतने भी नहीं थे क्या? और वो क्या कह रहे थे, रामलाल पैसे खा गया, क्या कह रहे, चोर है। अब मैं तो आपको दाल नमक तेल मसाला देने के आया हूं, खाने के लिए आया हूं, बताओ आप मुझे है? 1 रुपया आपके में से किसी ने लिया मैंने आज तक है? पुलिस वाले पैसे लेते थे उनको टाइट किया, पटवारी पैसे लेते थे उनको टाइट किया, ट्रैफिक वाले तो आपके वहां जाते ही रोकते गाड़ी, 500 रुपए जेब में नहीं रखते तो आपकी गाड़ी पैक, आज वो भी बंद किया मैंने, लगभग लोग जाते ही पुलिस के जवान तो परेशान हो गए, मेरे नंबर का किसी के पास है नहीं है तो लो है, मेरे साहब से बात करो, कहते वहां जाएंगे पहले से है? कहां भ्रष्टाचार ने रुका, डीपी जल जाती थी, बीजेपी के लोगों को 5,000-10,000 रुपए देते तब जाके डीपी मिलती थी 15-20 दिन चक्कर काटने के बाद। आज कोई डीपी के पैसे ले उसको उल्टा लटकाने की हिम्मत रखता हूं मैं, उल्टा लटकाने। कनेक्शन आपके सबके कर रहे हैं, फ्री में कर रहे हैं, सब फ्री में बिजली मिल रही है, तो आज पैसे किसने खाए? अरे हमने तो अभी बच्चों के दूध में और क्या था वो नेपकिन में गड़बड़ कर दी किसी टीचर ने, वो भी पकड़ा गए, वो भी इनके वड़े थे, मेरे तो एक भी नहीं है बेटे। जगतराम जी देखो तर्राटे बन दूध की तरह सफेद, एक भी गुरु ने गड़बड़ नहीं किया। और कहते कि रामलाल ने, अरे तुम्हारे पास कोई मौका ही नहीं बोलने के लिए, अरे रामलाल ने 7 कॉलेज खोल दिया, तुम एक भी खोल के बता देते मेरे को। नंदलाल जी ने एक भी कॉलेज नहीं खोला, ये पीजी कॉलेज है अभी हरलाल जी मीणा जो कांग्रेस के एमएलए थे ना उस समय खुला था 1977 के अंदर, उसके बाद में एक भी कॉलेज नहीं खोला। लेकिन मैंने तो आपके सुहागपुरा के अंदर कृषि महाविद्यालय खोल दिया, दलोट में कॉलेज खोल दिया, आप पीपलकुंड थे पीपलकुंड में कॉलेज खोल दिया, आपके एक मेल जैसी बिल्डिंग दिख रही है आवासीय विद्यालय, 700 बच्चे उसके अंदर पढ़ेंगे, नागदड़ा में इंग्लिश मीडियम का 700 बच्चे पढ़ेंगे, एकलव्य मॉडल खोल दिया, पांचागुड़ा में खोल दिया एकलव्य मॉडल, तिमरुआ को डबल कैपेसिटी का कर दिया, यानी कि 7 कॉलेज, नर्सिंग महाविद्यालय अलग से खोल दिया, मेडिकल कॉलेज के लिए मैंने बार बार मुख्यमंत्री जी से कहा, मुख्यमंत्री ने 3 बार केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी, बिना केंद्र की मदद से मेडिकल कॉलेज नहीं खुल सकता था। ये सांसद साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रधानमंत्री जी ने कह दिया प्रतापगढ़ आदिवासी जिला है यहां मेडिकल कॉलेज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने 350 करोड़ रुपए का लोन लेकर के राज्य मत से मेडिकल कॉलेज खोला आपने, राज्य मत से। अब आपके बच्चे प्रतापगढ़ के अंदर ही डॉक्टर बनेंगे, कंपाउंडर बनेंगे। संस्कृत कॉलेज खोल दिया,
लड़कियों का कॉलेज अलग से खोल दिया, पहले कॉलेज ही नहीं था लड़कियों के लिए, उसको क्रमोन्नत करा के पीजी तक कर दिया। कितने स्कूल आपके क्रमोन्नत किए, दत्तियार स्कूल 12वीं तक कर दिया, पटेलिया स्कूल 12वीं तक कर दिया, धारियाखेड़ी स्कूल 12वीं तक कर दिया, तलाया स्कूल 12वीं तक कर दिया, महंगा स्कूल पाटलिया स्कूल 12वीं तक कर दिया, कई सारे स्कूल 12वीं तक किए। जितने स्कूल 65 साल में 70 साल में खुले क्रमोन्नत हुए उससे ज्यादा इस बार हुए। कई अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले, इतने सारे काम आपके हुए और छोटे मोटे काम आपके कहीं रह भी गए हो तो आपको मुझे अब माफ करना पड़ेगा, क्योंकि 2 साल कोरोना के भी आए और कोरोना के अंदर भी मैं आपको बता दूं, पूरे भारत में पूरे विश्व के नेता गोदड़ी ओढ़ के सोए हुए थे कि कहीं कोरोना में मर नहीं जाएं। उस समय आपका रामलाल मुंडू बांधी ने वेश बदल के मोटरसाइकिल पे 200 किलोमीटर चला, एक एक बैंक पीसी को चेक किया, यहां से बाट बमरिया तक गया, उधर से वापस होके आया, शाम को घर आ गया, तब तक किसी राशन डीलर को पता नहीं, कब तक किसी बैंक पीसी को पता नहीं और किसी बैंक वाले को पता नहीं। मैंने ये पता किया कि कोरोना में लोगों को गेहूं टाइम पे मिल रहे कि नहीं मिल रहे हैं, बैंक पीसी टाइम पे पैसे दे रहे कि नहीं दे रहे हैं, बैंक वाले टाइम पे पैसे दे रहे कि नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं मुंह बांध करके भेष बदल करके मैं पूरे एरिया में एक दिन के अंदर पूरे घूम के आ गया। मैंने मोटरसाइकिल 200 किलोमीटर चलाई, मेरे हाथ सूज गया, पूरे साले आ गए, क्योंकि पहले कभी चलाई नहीं थी, 8-10 साल पहले चलाई थी। और उसके बाद 5-7 राशन डीलर सस्पेंड हुए, बैंक बीसी सस्पेंड हुए, तब जाकर उनको पता पड़ा कि एमएलए हमारे बीच में आके हमारे को चेक करके चला गया। क्यों, मुझे मेरी जान प्यारी नहीं थी, लेकिन आपने मुझे वोट दे करके भेजा कि आपके सुख दुख में रामलाल मीणा काम आए। बटन दबाते समय यह देखना होगा कि कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाते हुए हमारी पैरवी किसने की, हमारी रक्षा किसने करी, हमारी सुरक्षा के लिए कौन दौड़ा। एक एक गांव में कोई भूखे नहीं मर जाए उसके लिए राशन की तेल नमक मसाला लेके ये पूरी टीम के साथ साथ दौड़े। कहीं कोई समस्या नहीं हो जाए, मजदूर जोधपुर में थे, अहमदाबाद में थे, कर्नाटक में थे, दादा के लेके आए। इनको तो ये डर था कि कोरोना हमको नहीं खा जाए, जबकि जान सबकी होती है। मैंने देखा कि मेरे प्रतापगढ़ की जनता कहीं कोरोना की शिकार नहीं हो जाए, इसलिए मैंने लगातार लगातार आपके बीच में रहा। 3 बार कोरोना मुझे भी हुआ, लेकिन मैं भी आज भी आपके आशीर्वाद से आपके बीच में हूं। इसलिए साथियों, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पुनः धन्यवाद दूंगा माननीय जिला प्रमुख जी को कि आपने इतनी महिलाओं को एक साथ यहाँ इकट्ठा किया। बाकी हम सब मिलकर कितनी मेहनत करते, महिला बाहर निकलनी नहीं थी, सारी महिलाओं को अपनी योजना के बारे में जानकारी लेनी है। आज मुख्यमंत्री जी ने चिरंजीवी बीमा योजना में 25 लाख का बीमा अपना किया ही है। कोई दुर्घटना में मृत्यु हो जाए उनके परिवार के खाते में 10 लाख रुपए 1 महीने के अंदर अंदर चले जाएंगे, ताकि उस परिवार को ये न लगे कि हमारे पिताजी वो हमारे बीच में नहीं है। उनके बच्चों को पालनहार पेंशन मिलेगी, विधवा महिला को पेंशन मिलेगी, और पेंशन को भी 1000 रुपए देने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। यहाँ तक कि गाय मर जाए, भैंस मर जाए, उसके भी 40,000 रुपए मिलेंगे, पहली बार ये काम हुआ है। आईडी कार्ड वो आपके पास रख लेना, वो मोबाइल ही है, जब तक जैसे ही मोबाइल आएगा वो दिखाओगे आपको, आपको मोबाइल मिल जाएगा, वो काम भी आपका। ये अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा, परसों कार्यक्रम था, कि साहब ये गेहूं जिनको मिल रहे हैं उनको तो अन्नपूर्णा तेल नमक मसाला दाल शक्कर मिल रही है, लेकिन बाकी को नहीं मिल रही है। तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया, बहुत जल्दी मैं वापस अभियान चालू कर रहा हूँ, जो वंचित रह गए तहसीलदार वीडियो के पास जाकर आवेदन करेंगे, ई मित्र पे जाकर आवेदन करेंगे, उनको भी तेल नमक मसाला शक्कर सब मिलेगा। तो ऐसा काम जब होने वाला है, आपको बिल भर लेने पड़ेंगे, आपको इलाज का पैसा देना नहीं पड़ेगा। एक बात और बता दूं मैं आपको, आपके डिलीवरी सारी डिलीवरी कराने की व्यवस्था मैंने जिला चिकित्सालय में कर रखी है। आपको इलाज समय पे नहीं हुआ, आप मुझे फोन करो, जिला प्रमुख को फोन करो, एक्सीडेंट के लिए डिलीवरी के लिए हम दोनों पति पत्नी का मोबाइल हमेशा चालू रहेगा। और आपको लग जाए डॉक्टर कह दे कि आपका इलाज यहाँ संभव नहीं है, मैं एक बार डॉक्टर साहब से बात करूंगा, बात करने के बाद अगर उनसे पूछूंगा अगर यहाँ इलाज नहीं हो रहा कौन से हॉस्पिटल में हो रहा है, वहां मैं डॉक्टर से बात करूंगा कि भाई आप चिरंजीवी योजना में इसका इलाज कर रहे हो कि पैसे मांग रहे हो। वो कह देगा फ्री कर रहा हूँ तो आपको वहां भेजेंगे, वो कह देगा फ्री नहीं कर रहा हूँ तो दूसरे हॉस्पिटल में भेजूंगा जहां से फ्री होगा। आपको जल्दी में कहीं पैसे देने की जरूरत नहीं है। पहले रकमें गिरवे रखनी पड़ती थी, जमीनें बेचनी पड़ती थी, आज सब कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी ने फ्री किया है। अभी कई कई बार क्या होता है, ये एम्बुलेंस वाले कोई गड़बड़ कर देता है, कोई एजेंट होता है बड़े बड़े हॉस्पिटल का, वो गड़बड़ कर देता है, तुम वहां भर्ती हो जाते हो, फिर वो पैसे मांगते हैं। ये नहीं करना आपको, आप सबसे पहले जिला चिकित्सालय में भर्ती हो जाओ,
और उसके बाद में वहां आकर डॉक्टर साहब मना करते थे, आप मुझे फोन करो, प्रमुख साहब फोन करो, आप जो लोकल नेता है अपने यहाँ के कांग्रेस के उनको फोन करो, उसके बाद में भी आपका इलाज नहीं होता है, तो डॉक्टर साहब पूछ लूंगा साहब क्या समस्या है, तो मैं गीतांजलि में है ऐसे कई बढ़िया हॉस्पिटल जो आपका बिना पैसे में इलाज कर सके वहां कराऊंगा। क्योंकि मेरे भी, मैं आपको बताऊं, जब ये हुआ था 5.5 लाख रुपए का इलाज मेरे फ्री में हुआ था, एमएलए का भी फ्री में हुआ, ऐसे कई लोगों के सरकारी कर्मचारी को फ्री कर रखा है, तो आपके सबके फ्री होना ही है। तो इसलिए आपको जल्दीबाजी में कहीं पैसे देने नहीं है, आपका सबका इलाज कराएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, और भी आपके जो भी काम होंगे सारे काम करेंगे। लेकिन मेरा आप सभी से निवेदन है, चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ये लोग बेरुपये नई नई ड्रेसें पहन के आ रहे हैं, उनका आपको ध्यान रखना है। अब मैं कहीं मोहल्ले में आऊं नहीं आऊं, कहीं लेट सेट हो गया, कहीं मैंने कहा ये तो अपने ही यहाँ नहीं जाकर दूसरी जगह जाऊं, तो धर्मराज नाराज हो जाए, ध्रुव क्या नाम उसका, वो लसी, ऐसे कहीं क्रोध मत कर देना कि हमारे साथ हमारे तो आया नहीं था, मैं तो वोट नहीं आना है, हमने करना। इसलिए आज आपके सारी योजनाएं लगातार चलती रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से अपन मुख्यमंत्री बनाएंगे, ताकि अपने जो जो काम, 7 कॉलेज होना कोई मामूली बात नहीं है, और सुहागपुरा जैसे छोटे से गांव को पंचायत समिति, तहसील और उपखंड कार्यालय खोलना, जबकि क्राइटेरिया भी नहीं आ रहा है, 2 लाख की आबादी चाहिए थी, लेकिन यहाँ 1,34,000 की आबादी होते हुए भी यहाँ सारे खोले हैं। आपके भवन सेवला के साथ दोनों नहरों का काम चल रहा है, क्योंकि नहरों का काम लेट इसलिए होता है, मैं आपको बता दूं, बारिश में चलता नहीं नहरों काम, और सर्दी में भी नहरें चलती, काम चलता नहीं है, सिर्फ 4 महीने गर्मी में चलेगा ना, अभी चल रहा है, अभी जैसे ही ज्यादा बारिश आ जाएगा बंद होगा, उसके बाद लास्ट बॉर्डर तक ले जाने की जिम्मेदारी मेरी है, मैंने कह रखा है आपको, लास्ट बॉर्डर तक दोनों नहरों को लेके जाएंगे, आपकी और कहीं कोई कमी नहीं आएगी। खजाने की चाबी यानी पंचायत समिति और तहसील उपखंड कार्यालय आपके मैंने खोल दिए, शिक्षा विभाग का कार्यालय खोल दिया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कार्यालय खोल दिया, जो जो कार्यालय बाकी रह गए सारे कार्यालय आपके खोलेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है, आपका ये प्रेम, आपका ये आशीर्वाद बराबर बना रहे, और जिला प्रमुख जी कह रहे हो खाने की व्यवस्था भी है, सारे आराम से भोजन करके ही घर में बता रहे, और जिन जिन को अभी किट वितरित किए जाएंगे, जिन जिन को अभी मोबाइल वितरित किए जाएंगे, वो आराम से तसल्ली से मोबाइल भी लेके जाए, बाकी के मोबाइल की किट की व्यवस्था आपके हम यहाँ कर देंगे, आपके पंचायत में वहीं से लेना।